गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग बेसिक इनइक्वलिटी पढ़ रहे थे। बेसिक इनइक्वलिटी को ही आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5 ग्रेटर देन और इक्वल टू। सॉल्व करिए, स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व। तो जैसे ही आप देखोगे डी निगेटिव है, डी कितना होगा, बी स्क्वायर 9 - 20, डी निगेटिव है, मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5 से डिवाइड कर दिया, 1 > इनइक्वालिटी। ये पहली बार इसलिए हम पूरा कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग ये स्टेप नहीं करेंगे। 1 > इनइक्वालिटी। तो जब भी कभी ऐसा हो कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल खत्म हो जाए, वेरिएबल खत्म हो, केवल कांस्टेंट बचा, तो केवल अगर कांस्टेंट बचा, ओनली कांस्टेंट, तो दो केस हो सकता है, या तो ऐसे नहीं लिखते, अगर केवल कांस्टेंट बचा तो या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 1 > इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पढ़ा, बताया था बेसिक में, दोनों में से अगर कोई भी एक बात सही होगी तो सही होगी। 1 0 से बड़ा है, यस ट्रू है, 1 0 के बराबर है, नहीं ट्रू नहीं है, लेकिन एक बात सही है इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर डिवाइड करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद केवल कॉन्स्टेंट बचता है तो या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो एक्स बिलोंगिंग टू आर या एक्स बिलोंगिंग टू गिवन कंडीशन, जैसे इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू आर। और अगर कोई कंडीशन दिया होता, यहाँ कंडीशन दे देता एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है या एक्स की वैल्यू 5, तो वो आंसर आ जाता। लेकिन अगर फॉल्स हो गया, दैट इज नो सोल्यूशन, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू 5, या इसे ही हम लोग बोलते हैं नो सोल्यूशन। तो अगर डिवाइड करने के बाद केवल कांस्टेंट बचता है तो या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो एक्स बिलोंगिंग टू आर या एक्स बिलोंगिंग टू गिवन कंडीशन, अगर फॉल्स है तो एक्स बिलोंगिंग टू 5। x² - x+1 < 0, x² - x+1 d negative, x² coefficient positive, again positive number, x² - x+1 से divide की 1 < 0, 1 < 0 true statement है या false, फॉल्स है, एक्स बिलोंगिंग टू 5, दैट इज नो सोल्यूशन, एक्स बिलोंगिंग टू 5, दैट इज नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 2x+3 ग्रेटर देन 0। देखिए x² - 2x+3 d negative डिवाइड की 1 > 0, ट्रू है x belonging to R, तो ये थी बेसिक इनइक्वालिटी। अब हम रेशनल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, सॉल्व करना है आपको। x - 1 / x - 2 > 1। स्टॉप द वीडियो एंड यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस, देन आई विल डिस्कस।
तो आइए देखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2x - 2 > x - 2, -2 - 2 कैंसिल, x > इक्वल, आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू 0 टू इनफिनिटी। नोट कर लिया सबने, x बिलोंगिंग टू 0 टू इनफिनिटी। ब्रेकिंग न्यूज, और ये देखिए अभी मैंने आपको करके दिखाया कि ये गलत है, इसके बावजूद आप में से काफी लोग जब भी हमें इस इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन ये नहीं आएगा इसे सॉल्व करो, क्वेश्चन कभी डोमेन निकालने में आएगा, कभी रेंज निकालने में आएगा, कभी किसी कंडीशन में आएगा, और आप में से कई लोग इसे करेंगे तो ध्यान रहे तब पिटाई पड़ सकती। तो सबसे पहला सवाल, गलती क्यों हुई? गलती केवल इस स्टेप से इस स्टेप में आने में हुई। क्यों? इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को इधर, x - 2 को इधर। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन x - 2 बीइंग अ वेरिएबल, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए केस लेना पड़ेगा, केस नंबर 1, x - 2 पॉजिटिव, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, केस नंबर 2, x - 2 नेगेटिव, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसलिए जनरली हम लोग कहते हैं कि अगर रैशनल इनइक्वालिटी होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचते हैं। ये कहना कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं गलत है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें केस लेनी पड़ सकती है। तो केस लेना, क्योंकि ये मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन कुछ और होगा, हमें डोमेन निकालना होगा, क्वेश्चन कुछ और होगा, हमें रेंज निकालना होगा, और उसमें हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा, तो इसका हमें कम से कम में सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचते हैं। बचना और नहीं करने में फर्क है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने कर सकते हैं, अगर अगर ये कोई हमें कंफर्म कर देगा x - 2 पॉजिटिव है तो कंडीशन x - 2 से बड़ा है तो नो प्रॉब्लम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव या निगेटिव होने की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचते हैं। तो फिर कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो बेसिक इनइक्वालिटी में पढ़े थे, इसीलिए पढ़े थे, टेक ऑल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, सिंपलीफाई एंड फैक्टराइज इनटू रियल लीनियर फैक्टर, सिंपलीफाई एंड फैक्टराइज इनटू रियल लीनियर फैक्टर, 2x - 2 - x + 2/2 × x - 2। पहली बार है इसलिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं, वरना आप ये या कोई भी स्टेप जंप कर सकते हैं, यहाँ से ये तो जंप कर ही सकते हैं, x / x - 2 > 0। अब ये 2 कहाँ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। दूसरा, हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, मतलब x - 2 0 नहीं होगा। अब बात आती है साइन स्कीम कैसे लिखेंगे, साइन स्कीम के लिए हमने ये किया, इसको 0 किए 0 आया, इसको 0 किए 2 आया, अब इसका भी कोफिशिएंट प्लस, इसका भी कोफिशिएंट प्लस, प्लस से स्टार्ट हुआ, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव इंटरवल, पॉजिटिव इंटरवल कहां से कहां तक है, माइनस इनफिनिटी से 0, 0 न्यूमरेटर में है और यहां पर इक्वलिटी भी है, इसने बिग ब्रैकेट, इक्वलिटी कहती है 2 पे बिग ब्रैकेट हो, लेकिन 2 डिनोमिनेटर में है, 2 पे 0 नहीं हो सकता है, इसलिए 2 पे ओपन इंटरवल, 2 पे ओपन, तो राइट आंसर इज
x belonging to माइनस इन्फिनिटी से जीरो या x लेस देन इक्वल टू टू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू जीरो और x ग्रेटर देन टू, लेकिन आंसर जनरली इस फॉर्म में नहीं मिलता, फिर इसी फॉर्म में मिलेगा तो हम यही फॉर्म प्रेफर करते हैं। नोट करिए, हाँ ये आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, x माइनस टू अपॉन x प्लस फाइव ग्रेटर देन टू। चलिए x माइनस टू माइनस टू एक्स माइनस टेन अपॉन x प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो माइनस एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव साइड्स माइनस साइन से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन जीरो। नंबर लाइन, इसको जीरो किए माइनस ट्वेल्व, इसको जीरो किए माइनस फाइव, इसका भी कोफिशिएंट प्लस, इसका भी कोफिशिएंट प्लस, प्लस देन माइनस देन प्लस। अच्छा ये अब जो नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इक्वालिटी है या नहीं डिनोमिनेटर में। अब यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब ओपन इंटरवल, लेस देन है इसका मतलब नेगेटिव इंटरवल। तो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ट्वेल्व से माइनस फाइव, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड है, केवल फैक्टराइज करना है। जैसे ही हमने फैक्टराइज किया एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, इस बात पर ध्यान रखना। वन टू थ्री फोर, कोफिशिएंट 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 सबका प्लस है, प्लस और सबकी पावर वन है, प्लस माइनस प्लस वन। ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इनफिनिटी से वन। इक्वलिटी है कहता है बिग ब्रैकेट, वन न्यूमरेटर में है तो बिग ब्रैकेट, यूनियन टू से थ्री, टू डिनोमिनेटर में है ओपन इंटरवल, थ्री न्यूमरेटर में है, यूनियन फोर से इनफिनिटी, फोर भी डिनोमिनेटर में है इसलिए फोर पे ओपन इंटरवल। ध्यान रहे इक्वलिटी होने के बावजूद डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए डिनोमिनेटर में ओपन। यहाँ पे हम चाहे तो सर्कल भी दिखा सकते थे, यहाँ पे सर्कल अंडरस्टूड है कि वहाँ पे सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्टॉप द वीडियो and you have again 2 minutes to solve this। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर आपको मालूम है x प्लस थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसका फैक्टर आपको पता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन। ये तो आपका स्प्लिटिंग मेथड से हो गया। एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स का फैक्टर कैसे, हिट एंड ट्रायल से, एक्स इक्वल टू वन पुट किए, वन माइनस सेवन प्लस सिक्स जीरो। एक्स माइनस वन को आपने तीन बार लिखा और फिर इस तरीके से आपने एडजस्टमेंट लिया कि ये एक्सप्रेशन मिल जाए,
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस सिक्स से माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, और फिर इससे कॉमन ले लिया आपका फैक्टर हो जाएगा। तो अब आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन वन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपका ग्रेटर देन है पॉजिटिव इंटरवल माइनस थ्री से माइनस टू, माइनस थ्री न्यूमरेटर में माइनस टू डिनोमिनेटर में, ओपन इंटरवल यूनियन, माइनस वन से वन, माइनस वन डिनोमिनेटर में वन न्यूमरेटर में, यूनियन टू न्यूमरेटर में टू टू इन्फिनिटी। हाँ, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहां पर आपका माइनस हो जाएगा। सॉल्व इट, स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व। तो फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने किया ही है, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस नहीं, कैंसिल करने से बचते हैं। हो सकता है कि आपका आंसर बाय लक सही हो जाए, रॉन्ग मेथड राइट आंसर, लेकिन कैंसिल करने से आंसर कई बार आपका गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप कैंसिल कर दोगे तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा x प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और आप तर से बोल दोगे x ग्रेटर देन माइनस टू। तो सर, तो आप छोटी सी गलती कर जाओगे कि x की वैल्यू वन और टू हो ही नहीं सकते, ये यहां लिखोगे और वो यहां गलती आपकी पकड़ में आ जाएगी, इसलिए कैंसिल करना प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि गलती कैंसिल करने में गलती हो जाती है, हमको गलती करने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो कैसे नंबर लाइन के साइन स्कीम लिखेंगे? इसको जीरो किए माइनस थ्री, इसको जीरो वन टू, प्लस 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 साइन से एक्स माइनस टू, एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में, इसलिए एज ए इवन पावर कंसिडर होगी, तो प्लस एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में प्लस। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस थ्री से इन्फिनिटी माइनस वन टू, क्यों? वन टू डिनोमिनेटर में है, जीरो नहीं हो सकता है। टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सॉल्व इट। अब अगर आप देखो तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये सब चीजें क्योंकि अब कुछ बताने नहीं आएगा और इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते बार बार मैं समझा रहा हूं, तो ये आपको खुद से एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, वन इज पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, जीरो या जीरो से बड़ा, वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, दैट इज एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस फोर प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर लेस देन इक्वल टू 49।
तो इसमें भी आप लोग जनरली गलती कर देते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2, x का स्क्वायर रूट x, एक्चुअली आधा आंसर। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप करेंगे x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर लेस, सॉल्व सेपरेटली एंड टेक इंटरसेक्शन, सॉल्व इट देन आई विल डिस्कस इट। तो इसको हमने अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व, दोनों किससे कनेक्टेड है, एंड से। एंड में हम लोग क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, ये क्या कह रहा है, -2 से छोटा या 2 से ज्यादा, ये क्या कह रहा है, -7 से, तो दोनों का इंटरसेक्शन -7 से -2 यूनियन 2 से 7, मतलब ये जो दो आंसर आया था वो केवल ये आया था, मतलब इसको हम कह सकते हैं x -7 से -2 और 2 से 7, मतलब आप ये कह सकते हो अगर पावर इवन है तो केवल पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, निगेटिव वैल्यू भी आएगी, ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। इवन और जनरल आप कह सकते हो एक्स की पावर एन होल एन, एन अगर आपका नेचुरल नंबर है, ये मॉड एक्स होगा अगर एन इवन है, और ये सिंपल एक्स होगा अगर एन ऑड है। तो ध्यान रहे, अगर पावर इवन है तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पावर इवन है तो इसके साथ एक और आंसर आएगा। वन लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 27, इसको भी हम लोग कहेंगे x क्यूब ग्रेटर देन एंड x क्यूब लेस देन 27, लेफ्ट हैंड साइड ला x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन, पॉजिटिव नंबर डिवाइड हो गया x माइनस 1, दैट इज x ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 लेस देन 0 डिवाइड हुआ x माइनस 3 लेस देन, या यहाँ से 1, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट x बिलोंगिंग टू 1 से 3, ये पूरा है। लेकिन अगर आप देखो तो 1 का क्यूब रूट 1, x का क्यूब रूट x, क्योंकि अगर पावर ऑड होता है तो x होता है, इसलिए अगर पावर ऑड है तो आप डायरेक्ट क्यूब रूट दे सकते हैं, अगर पावर इवन है, अगर यहाँ पावर 4 होती तो डायरेक्ट नहीं लेते। तो दो क्वेश्चन खड़ से ओरली कर दीजिए, एक आप x पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 16, दूसरा x क्यूब ग्रेटर देन 8 लेस देन 125। ओरली दोनों फटाफट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ओरली में पहले इधर इसको कर लेते हैं, पावर 3 है, पावर 5 होगी, पावर 7 होगा, कुछ भी होगा, पावर ऑड इस प्रॉपर्टी की वजह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 8 का क्यूब रूट 2, x क्यूब रूट x, 125 का क्यूब रूट 5, 225। पावर इवन तो 1 का 1 पावर 4 1, 16 का 2, और
ये जो वैल्यू निकल करके आई थी इसी को माइनस कर देंगे। आप सॉल्व करके देखिएगा पूरा तो यही आएगा। तो अब अपन लोग को डायरेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि फिर वही बात कि हमें स्टेप्स वो नहीं करने हैं, स्कूल के सिलेबस में नहीं है, जेई में नहीं, एडवांस क्वेश्चन में रहेगा, तो हम जितना टाइम सेव कर लें। तो अगर पावर इवन है पहले डायरेक्ट उसका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर निगेटिव आ जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ मॉड की प्रॉपर्टी होती है, जब हम मॉड पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू टू। सॉल्व करिए फटाफट जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको फिर से अलग अलग करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस वन एंड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू। प्रोसीड करिए और आगे। तो ये आपने सॉल्व किया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव इंटरवल, एक्स लेस देन इक्वल टू और एक्स ग्रेटर डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वलिटी नहीं। ये आप लेकर के आए, एक्स कोफिशिएंट नेगेटिव, एक्स कोफिशिएंट पॉजिटिव, रिजल्टेंट नेगेटिव, इसलिए माइनस से स्टार्ट हुआ, डिग्री वन प्लस माइनस। लेस देन है नेगेटिव इंटरवल, एक्स लेस देन थ्री और एक्स ग्रेटर देन, ये दोनों एंड से कनेक्ट है। इसका हमने साइन स्कीम इसकी हमने बनाया, नंबर लाइन इसकी नंबर लाइन दोनों एंड से कनेक्ट है, कॉमन पार्ट दोनों का कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से टू टू पर क्लोज इंटरवल यूनियन फाइव से इन्फिनिटी। वेरी गुड, सिंप्लीफाई, एक्स माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड लाए माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स प्लस फाइव, साइन स्कीम लिखने पर एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव एक्स कोएफिशिएंट नेगेटिव रिजल्टेंट नेगेटिव तो माइनस डिग्री वन माइनस प्लस वन। इसी क्वेश्चन के साथ बेसिक इनइक्वालिटी हम लोग खत्म करते हैं। इनइक्वालिटी अभी हमें कहेंगे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन में फिर हम पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी, पॉलीनोमियल इनइक्वालिटी और भी इरेशनल इनइक्वालिटी जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह आता है, पावर वन बाई थ्री वगैरह, फ्रैक्शनल पार्ट इनइक्वालिटी, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, ये हमारे सिलेबस में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और इनका क्लब भी आ सकता है। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इतना था।